शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं और जो चर्चा का क्रम है इस समय शासनिक शिक्षा की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है उस पर चल रहा है और उस पृष्ठभूमि में हम लोग इस समय भारतीय महान शिक्षा शास्त्रियों दार्शनिकों का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में जो अध्ययन का चक्र है वह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के जो भारत का इतिहास है उसके से बहुत ही उज्जवल तारे के रूप में स्थापित हैं, एक कवि के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक समाजशास्त्री के रूप, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज के उत्थानकर्ता के रूप में, एक दृष्टा के रूप में, एक चित्रकार के रूप में, एक संगीतकार के रूप में वे अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट करने की हमेशा कोशिश करते रहते थे और वही बातें शिक्षा के संदर्भ में भी कहते थे कि जो कुछ भी है उसको प्रकट करना ही जो शिक्षा का मूल लक्ष्य है। तो इनके हम शिक्षा के संदर्भ में कई प्रकरणों जैसे शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, शिक्षण विधि और जो विद्यालय का परिवेश आदि का हमने अध्ययन कर लिया। जो आज के वीडियो का जो अंक है इसका हमारा प्रकरण है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और शिक्षा में अनुशासन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और शिक्षा में अनुशासन की जब बात आए तो आप जानते हैं कि आप यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी को रूसो के समान प्रकृतिवादी मानते हैं, लेकिन रूसो के समान जो गुरुदेव थे वे भी समाज सम्मत आचरणों को बालक पर बलपूर्वक थोपना नहीं चाहते थे, लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि बालक को कोई भी सामाजिक आचरण न सिखाया जाए। रूसो की जो रूसो नकारात्मक शिक्षा में विश्वास करता था, यानी कुछ भी उसे न सिखाया जाए वो खुद सीखेगा, और उनका मानना था कि सबसे अच्छी आदत किसी आदत का ना होना है। रूसो सामाजिक वातावरण से बालक को बचाना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव जो हैं वे अनुशासन का रहस्य इसी को मानते हैं, जो विद्यालय का वातावरण है। गुरुदेव बालक के अनुशासन में जो विद्यालय का वातावरण है उसके भौतिक और जो सामाजिक पक्ष हैं उसका इस प्रकार अनुकूलन चाहते हैं, उसको इस प्रकार उद्दीप्त करना चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण बिना वाह्य आरोपण के स्वतः हो जाए। और उन्होंने ये जो बात आप देख रहे हैं इस बात को उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा है कि विद्यालय का जो वातावरण है भौतिक और सामाजिक वातावरण इस तो उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कल्पनात्मक आधार पर वातावरण और अनुभवों को तक के क्रियाकलापों को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि बच्चों में अनुकूल अनुशासन जो है वह विकसित हो जाए, रचनात्मक शक्तियों के विकास का अवसर मिले, ध्वंसात्मक तथा असंस्कृत वृत्ति का शोधन हो सके। ये बातें आपको जो देखने को मिल रही हैं, गुरुदेव इन बातों को ऐसे ही नहीं कहते हैं, उन्होंने इसका प्रयोग किया और प्रयोग करने के पश्चात इन्होंने इस बात को सिद्ध किया और आपके समक्ष समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके इस भारती में वो एक कुछ जो है देहात के दुबले पतले कम शारीरिक विकास वाले कम मानसिक विकास वाले बच्चे आते हैं, वे जो है जो इन भौतिक और सामाजिक वातावरण पर केंद्रित थे, तो इसलिए जो देहात के कुछ बालक आते हैं जो कि दुबले पतले थे वो शांति निकेतन में प्रविष्ट होते हैं तो गांव के उपेक्षित वातावरण के कारण उनकी जो शरीर और बुद्धि जीती धो उनका विकास बहुत अच्छा नहीं हुआ था और उनका व्यवहार में बहुत शिष्ट नहीं था, लेकिन उनके स्वभाव में नीचता, स्वार्थपरता और कृतज्ञता नहीं थी। शांति निकेतन में जो वातावरण भौतिक तथा जो सामाजिक वातावरण इस ढंग से बनाया गया और अनुभवों तक के क्रियाकलापों को एक ऐसा रूप दिया गया था जिससे बच्चों के अनुकूल अनुशासन खुद उत्पन्न हो जाए, तो उस बच्चों में कुछ दिन के बाद बच्चों में देखा गया कि जो देहात के बच्चे आए थे उनमें उत्सर्ग, मैत्री, दूसरों की सहायता करने की वृत्ति, निस्वार्थ भावना आदि का विकास होने लगा। भोजन बनाने, कपड़े बुनने, पेड़ पौधे लगाने, अपनी परिस्थितियों को सुधारने, अन्य बच्चों को गुप्त रूप से सहायता करने आदि में वे विशिष्ट आनंद लेने लगे। इससे गुरुदेव ने निष्कर्ष निकाला कि जो विद्यालय का वातावरण है वह बालक के अनुशासन का निर्धारक है, नियंता है, एक आधार तो है बालक के पास संस्कारों का वंशानुक्रम से। निश्चित रूप से जो उसकी वैयक्तिक भिन्नता है वह उस आधार
के साथ ही आया हुआ है, लेकिन जो परिवेश है उसका भी एक अच्छी भूमिका है, वह भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। गुरुदेव के इस प्रयोग से ही उन्होंने बताया कि जो बालक है वह अपने आप में तो कुछ ना कुछ लेकर चल ही रहा है, उसका बहुत कुछ अपना ही है, लेकिन उसमें जो थोड़ा बहुत उसको निखरने का अवसर है, उसका जो अपना है उसको बस परिस्थितियां ऐसी दी जाए कि वो निखर जाए। कैसे? उसी तरह से जैसे एक पौधे के संदर्भ में उदाहरण गुरुदेव देते हैं कि आप पौधे में फूल कब खिलेगा यह तय नहीं कर सकते, वह पौधा ही तय करेगा। आप उसके लिए हवा, अच्छे खनिज, अच्छी खाद, पानी, सूर्य का प्रकाश, बाहरी खतरों से उसकी रक्षा, यही सब तय कर सकते हैं। बाकी वो जो इतना संस्कार उसको मिल जाएगा तो अपने संस्कारों में खुद खिल जाएगा। वही बात गुरुदेव भी कहते हैं कि बच्चा कहीं का भी हो, वह बालक पूर्णतः देवत्व से परिपूर्ण है। उसको बस करना क्या है आपको, कि उसको एक अवसर ऐसा देना है कि वह स्वयं अनुशासन में रहना सीख जाए। अनुशासन बाहर से थोपने की चीज नहीं है। गुरुदेव का जो जीवन वृत्त है आप उसको देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जो उस समय के नंबर एक के स्कूल थे, नॉर्मन हो या फिर मॉन्टेसरी स्कूल रहा हो कलकत्ता का, कहीं भी उनका प्रवेश कराया जाता था तो एक दो बार जाने के बाद हफ्ते 10 दिन बाद वे कभी विद्यालय नहीं गए। आपको ज्ञात ही होगा कि उनका जो भी अध्ययन था वह स्व अध्ययन के आधार पर था। आपको यह भी ज्ञात होगा कि गुरुदेव 1910 और 1911 में 2 बार जो है ब्रिटेन गए, लंदन गए, जहाँ उनको वकील बनने के लिए बैरिस्टर का जो का पाठ्यक्रम था, कोर्स था, उसको करना था, लेकिन गुरुदेव की जो मूल प्रवृत्ति थी वो स्वतंत्रता और आनंद के पुजारी जन्म से ही थे, और उन पर जब भी प्रतिबंध लगाया जाता था तो वहाँ से वो हट जाते थे, उस परिस्थितियों का त्याग कर देते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ भी अध्ययन नहीं किया। और उनके ही द्वारा स्थापित जो उनकी विचारधारा, उनका जो जीवन का प्रयोग था, उस प्रयोग के आधार पर ही शांति निकेतन में जो विश्वभारती की स्थापना हुई थी, वह विश्व भारती भी उनके ही जीवन के अनुभवों के आधार पर थी। इसलिए वहाँ बिल्कुल अनुशासन की जो बात है वह अनुशासन विश्वबोध का दर्शन है, वह अनुशासन आत्म अनुशासन का दर्शन है, जिससे कि परिवेश को इस ढंग से बना दिया जाए कि वे अनुभवों को, क्रियाकलापों को स्वयं जो है उसके अनुकूल अनुशासन में ढल जाएं, उनको किसी प्रकार से कोई बाह्य दबाव न दिया जाए। गुरुदेव दबाव का बहुत ही विरोध करते थे और इसीलिए अर्थात वे आत्मानुशासन के पक्ष में थे, यानी गुरुदेव आत्मानुशासन के पक्ष में थे, वे किसी भी ढंग से किसी दबाव को नहीं स्वीकार करते थे। वे कहते थे कि जो अनुशासन का वास्तविक स्वरूप है वह आत्मानुशासन है, बस हमें करना क्या है कि आत्मानुशासन लायक परिस्थितियों को सृजन करना होगा। आत्मानुशासन की जब परिस्थितियां तैयार हो जाएंगी तो निश्चित रूप से हम यानी बालक को उस तरह से तैयार कर लेंगे जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा कि समाज मांग करता है, लेकिन दबाव नहीं, उनकी स्वेच्छा से, उनकी जो स्वच्छंदता है, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए, उनके आनंद को बिना छेड़े। तो अनुशासन के स्पष्ट करते हुए गुरुदेव लिखते हैं कि वास्तविक अनुशासन का अर्थ है अपरिपक्व एवं स्वाभाविक आवेगों की अनुचित उत्तेजना। क्या है? अपरिपक्व एवं स्वाभाविक आवेगों की अनुचित उत्तेजना और अनुचित दिशाओं में विकास से सुरक्षा। स्वाभाविक अनुशासन की इस परिस्थिति में रहना छोटे बच्चों के लिए सुखदायक है और यह उनके पूर्ण विकास में सहायक होता है। जरा एक एक पंक्ति पर आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं गुरुदेव, तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि यहाँ जो उन्होंने कहा है उसको ध्यान से समझिए तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अनुशासन के संदर्भ में क्या चाहते थे गुरुदेव। अनुशासन के संदर्भ में क्या चाहते थे आप देखिए, वे कहते हैं कि वास्तविक अनुशासन का अर्थ है, वास्तविक अनुशासन का अर्थ है, क्या अर्थ है? अपरिपक्व एवं स्वाभाविक, अपरिपक्व एवं स्वाभाविक आवेगों की अनुचित उत्तेजना। क्या है वह? वह है जो अपरिपक्व है, इमेच्योर है, बच्चों का जो आप सोचते हैं को मेच्योरिटी में है तो नहीं है, जो वे इसको इस तरह से कैसे कहते हैं कि वो मेच्योर नहीं है।
गुरुदेव कहते हैं कि ये अनुशासन जो है ये क्या है, यह स्व आलोचना जैसा है, यानी अपरिपक्व है और स्वाभाविक आवेग है। भाई अपरिपक्व है तो स्वाभाविक आवेग आवेग इसको आएंगे, तो जो स्वाभाविक आवेग आवेग हैं उन स्वाभाविक आयोग के कारण क्या होता है, उन स्वाभाविक आवेगों के कारण ये जो अनुचित उत्तेजना उत्पन्न होती है, जो उत्तेजना है वह उत्तेजना कैसे उत्पन्न हो रही है, वह उत्तेजना अनुचित स्वरूप में हो रही है, और वह अनुचित उत्तेजना क्या है, वही अनुचित उत्तेजना अनुचित दिशाओं में से में विकास से सुरक्षा करती है, यानी अनुचित दिशाओं में विकास में सुरक्षा देती है। स्वाभाविक उत्तेजना की जो स्वाभाविक अनुशासन की स्थिति में रहना जो है छोटे बच्चों के लिए सुखदायक है और यह उनके पूर्ण विकास में सहायक है, यह जो है उनके पूर्ण विकास में सहायक होता है। तो छोटे बच्चों के संदर्भ में जो इनका कहना है गुरुदेव का, ये जो बच्चों की प्रकृति है वह जो उसका जो सहज अनुराग होता है वो मानवीय वातावरण में पलने वाले संबंधों के प्रति को संवेदनशील होते हैं, उसका संवेदनशीलता होती है, और यही संवेदनशीलता उन्होंने अपने विद्यालय में भी लागू किया, अपने विद्यालय में भी लागू किया, और इसलिए उन्होंने इसको इस तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि जो वास्तविक अनुशासन है यह वास्तविक अनुशासन क्या है, यह वास्तविक अनुशासन वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव का जो वास्तविक अनुशासन था वह सिर्फ और सिर्फ वास्तविक अनुशासन यह आत्म अनुशासन का रूप है। इसीलिए वो कहते हैं कि वास्तविक अनुशासन का अर्थ है अपरिपक्व और स्वाभाविक आयोगों की जो अनुचित उत्तेजना है और अनुचित दिशाओं में विकास से सुरक्षा करना है, कि यानी अपरिपक्व और स्वाभाविक। देखो भाई, जब अपरिपक्व होगा बालक तो उसका जो स्वाभाविक आवेग होगा वह आवेग निश्चित रूप से अनुचित उत्तेजना उत्पन्न करेगा, और जब अनुचित उत्तेजना होगी, अनुचित उत्तेजना, तो वहां से अनुचित दिशाओं में विकास होगा। तो इससे सुरक्षा करना ही अनुशासन है, और स्वाभाविक अनुशासन की स्थिति में रहना छोटे बच्चों के लिए सुखदायक है या उनके पूर्ण विकास में सहायक होता है। अर्थात जो है आप जो है आप देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं कि इनका आत्म अनुशासन कहाँ से उत्पन्न होता है, इनका आत्म अनुशासन बच्चों के संदर्भ में बच्चों के लिए विद्यालय के परिवेश से उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि वो गुरुकुल प्रणाली में विश्वास करते हैं कि गुरु होना चाहिए, गुरु और शिक्षक में गुरुदेव ने बड़ा अंतर बताया। गुरु का मतलब जो समर्पित हो, हर पल बालक को अपना ईश्वर का अंश समझ करके उसको देखे और उसको निखरने का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों का सृजन करने योग्य हो। वह केवल शिक्षक न हो कि कार्य किया वेतन लिया चल दिया, उसको वहीं रहना है, शिक्षकों के विद्यार्थियों के साथ ही रहना है। तो अगर वो साथ ही रहेगा तभी तो भौतिक और सामाजिक वातावरण इस ढंग से बनेगा कि जो विद्यार्थी है उसका स्वाभाविक अनुशासन आत्मानुशासन के रूप में तैयार होगा। तो जब आत्मानुशासन के रूप में उसका स्वाभाविक अनुशासन बिना दबाव बिना भय के तैयार होता है तो वही अनुशासन उसके जीवन का एक मार्ग प्रशस्त करता है। इस तरह से आपने गुरुदेव के जो अनुशासन शिक्षा में अनुशासन के संदर्भ में विचार थे आपने यहाँ देखा है, हमने यहाँ देखा। अब आप लोग में जो कुछ भी करना चाहते हैं अध्ययन करिए, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप चैनल अवश्य लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।